हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश मुकेश बड़बड़गुजर। अभी आप देख रहे हो डाटाबेस आर्किटेक्चर ऑफ पैरेलल प्लस प्रोसेसिंग। तो हमें देखना है अभी डाटाबेस आर्किटेक्चर फॉर द पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए डाटाबेस आर्किटेक्चर क्या क्या होते हैं। उसमें तीन टाइप के आर्किटेक्चर होते हैं, शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर या फिर आप उसको ऐसे ही बोलते हैं शेयर एवरीथिंग आर्किटेक्चर। तो पहला हम यही चीज़ देखेंगे, तो इसी को देखेंगे हम। अरे अरे अरे, बाकी का मत देखो। हाँ, तो देखिए क्या होता है शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर। तो शेयर मेमोरी आर्किटेक्चर में शेयर्ड मेमोरी सिस्टम यूजेस मल्टीपल प्रोसेसेस, दिख रहा है ना। हाँ, शेयर मेमोरी सिस्टम यूजेस मल्टीपल प्रोसेसर्स विच इज अटैच टू अ ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी वाया इंटर कम्युनिकेशन चैनल और कम्युनिकेशंस। बस मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। देखिए ये एक नंबर के डायग्राम, इन दोनों को छोड़ दीजिए, ये डायग्राम है हमारे। अभी देखिए ये एक शेयर्ड मेमोरी बस है। देखिए ये ग्लोबल शेयर मेमोरी बस है, ये प्रोसेसिंग यूनिट है, ये इंटरकनेक्शन नेटवर्क है। तो देखिए हम क्या बोल कर रहे हैं यहाँ पे, इट यूजेस मल्टीपल प्रोसेसेस विच इज़ अटैच टू अ ग्लोबल स्टोर्ड मेमोरी। देखिए विच इज़ अटैच टू द ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी, मल्टीपल प्रोसेस है, ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी से अटैच है, और उनके बीच में इंटर कम्युनिकेशन चैनल रहता है या फिर बस रहती है। ये जो इंटर कम्युनिकेशन चैनल है उसके हिसाब से वो बड़े बड़े करते हैं, बोलचाल करते हैं। हाँ, उसके बाद में देखते हैं आगे। शेयर्ड मेमोरी सिस्टम हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैचे मेमोरी ईच प्रोसेसर। सॉरी, शेयर्ड मेमोरी में लार्ज अमाउंट ऑफ कैचे जमा हो जाता है। कैचे बोलते नहीं है उसे कैश मेमोरी बोलते हैं। सॉरी, कैश मेमोरी बोलते हैं, कैचे नहीं बोलते, उसको कैश मेमोरी बोलते हैं। एट ईच प्रोसेसर, वो कैचे वो ऐसे बचपन से वही बोलते आ रहे ना, कैचे। हाँ, ईच प्रोसेसर सो रेफरेंसिंग ऑफ द शेयर्ड मेमरीज अवॉइडेड। इफ द प्रोसेसर परफॉर्म्स अ वर्क इफ द प्रोसेसर परफॉर्म्स अ वर्क परफॉर्म्स अ राइट ऑपरेशन टू मेमरी। इफ द मतलब अगर एखादा प्रोसेसर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है मेमोरी के ऊपर, हाँ, तो क्या होता है, राइट ऑपरेशन टू मेमोरी लोकेशन द डाटा शुड बी अपडेटेड और रिमूवेड फ्रॉम दैट लोकेशन। ये काम होता है। इट इज़ ट्रेडिशनल अप्रोच टू इम्प्लीमेंटिंग एन रिलेशनल डेटाबेस ऑन SMP सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर हार्डवेयर, SMP हार्डवेयर रहता है वो। SMP हार्डवेयर यानी कि सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर रहता है जो काम करता है रिलेशनल डेटाबेस के लिए। हाँ, उसके बाद में देखते हैं, द की पॉइंट ऑफ दिस अप्रोच इज दैट अ सिंगल रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम सर्वर कैन पोटेंशियली utilize all processors across all memory and across entire database। मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम ही यूज कर डालता है। कैसे करता है, द की पॉइंट इज दैट अप्रोच इज यूज द सिंगल RDMS, मतलब सिंगल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रहता है वो सर्वर पे पोटेंशियली यूटिलाइज ऑल द प्रोसेसर अक्रॉस ऑल द मेमरी एंड अक्रॉस द एंटायर डेटाबेस। मतलब यानी कि देखिए ये हमारा इंटर कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये हमारे प्रोसेसिंग यूनिट है, ये हमारे ग्लोबल शेयर्ड मेमोरी है, ये हमारी बस है, तो ये हमारे डेटाबेस है, तो इसके अंदर कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे डेटा हमारा स्टोर होता है। तो ऐसा आपको समझाना है बस, बाकी कुछ नहीं करने का है। तो ये था हमारा शेयर्ड मेमोरी आर्किटेक्चर या फिर शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, कुछ भी कह सकते हो आप। इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बस बस बहुत हो गया ना। ओ, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।